स्टेशन पहुंच चुका, ट्रेन छूट गई है, बाय। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद हम निकल रहे हैं, 3-4 दिन के बाद हम यहाँ के म्यूजियम देखने के लिए निकल रहे हैं। तो सभी लोगों के साथ हम जा रहे हैं सत्येंद्र ज्योति म्यूजियम। तो अभी यहाँ से ऑटो पकड़ना है हम लोगों को, तो फिर अभी आके भैया से भी बात करना है, रूम वगैरह की आपको दिखाऊंगा कि मतलब यहाँ पर जब आओगे मेन मार्केट पे मत रहना आप लोग, पुट्ठा पट्टी में जब भी आओगे तो हॉस्पिटल के करीब आप लॉज वगैरह पे लोगे तो यहाँ पर सस्ता है जहाँ पर हम रुके हैं। तो बाकी यही से मतलब जो भी कनेक्टिंग प्लेसेस है यहाँ से पास ही है। तो बाकी चलिए अब जाते हैं हम सीधे सत्येंद्र ज्योति म्यूजियम। तो दोस्तों म्यूजियम तो बंद है 2 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स डे चल रहा था, तो किस्मत ख़राब है। तो 11 तारीख तक म्यूजियम बंद है, तो म्यूजियम का हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी आप ये है मार्केट पुट्ठापट्टी का, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। बाकी आप सोच रहे कि मतलब यहाँ पर कहाँ पर जाना है करके, क्योंकि मंदिर वगैरह तो पहले ही होके आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर है क्या, है क्या, देखते थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बाकी चीज़ें तो हमने पहले देख लिया था, बस ये म्यूजियम था जो कवर नहीं किया था। अब म्यूजियम बंद है 11 तारीख की, इन लोगों का फ्लाइट है तो ये लोग जाएंगे वापस दार्जिलिंग और मैं निकलूँगा तिरुपति और उड़ीसा की तरफ। तो मैं इनकी मतलब थोड़ी सी हेल्प के लिए ही यहाँ पर आया था, ताकि बेंगलोर से हम लोग फिर स्प्लिट होंगे, भैया लोग जाएंगे अपने घर मतलब हमारा गांव, और मैं अपना टूर वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बड़ा तो इनका ही बहुत मन था म्यूजियम घूमने का जो बंद है। क्या है? तो दोस्तों हम यहाँ पर एक लेक के करीब आ चुके हैं, तो ये पुल है, तो हमें जाना है वहाँ पर, बोट दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पर इसको खेलना है, ये भाभी है और वो ग्याल्पो को खेलना है। तो पूछने के लिए जा रहे हैं हम लोग, बोटिंग वगैरह अभी चल रहा है नहीं चल रहा है, बोट वगैरह तो रखा हुआ है वहाँ, तो उसका मन है तो चढ़ाते बोट में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो टिकट है हमने काउंटर से ले लिया, 350 का है 4 पर्सन, तो 30 मिनट्स का। हाँ मेरे पे है। तो यहाँ पर टिकट वगैरह ले लिया हमने, एंट्री टिकट पर पर्सन का 10 रुपीज़ का था और बाकी 350 का अलग से है बोट का 4 पर्सन का। बाकी अभी ये लाइफ जैकेट वगैरह लग रहा है भैया, ओ माय गॉड सलमान खान को, और यहाँ पर है कैटरीना कैफ हमारी। लो तो बाकी मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ, तो अभी हमारी भाभी डर रही है तो यार फोटो सेशन वगैरह हो रहा है, और ये भी जाएगा हमारे साथ। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आई थिंक गैल्पो का। कहाँ पर बैठोगे? कॉर्नर में, तो मांगो भाई मैंने। तो अभी लाइफ जैकेट पहनने के लिए ये हो चुका है। तो मैंने भी लाइफ जैकेट पहन लिया है, तो अब जा रहे हैं हम बोट के अंदर, तो चलो अंदर बैठते हैं। बिस्तारी ओ सेम दादा पकड़ा पुलो का पलटर रड्डी जाए। तो ये है बाकी वो कुंगा ये कुंजांग, तो बस बैठे हुए हम, यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बाकी हम चलने के लिए रेडी है बोटिंग। चलो ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है बोटिंग का, पूरे टूर में ये तीसरा एक्सपीरियंस है बोटिंग का, तो उधर से चढ़ना है। टिकट दे तो दिया था यार मैंने भाई को,
अच्छा तो ये टिकट वगैरह ले लिया है तो ये बैठ गए हैं भैया उधर का चल जाओ वो तो कुना मजा हो रहे हो तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ कौन जाएगा मैं भाजू जाओ बिस्तारी तो ये बिस्तारी बिस्तारी है तो ये बैठ गई हमारी जा उता पट्टी जा तो आई थिंक इस बोट का कैप्टन मैं ही हूँ तो अब मैं भी बैठ गया हाँ तो ये है लीवर पूरा लेफ्ट और राइट और बीच हाँ तुम आगे मारते आगे जाएगा पीछे मारते पीछे जाएगा तो हम दोनों को चलाना है ये मेरा को कैप्टन है और ये हमारा पैसेंजर तो अब हम चलने के लिए रेडी है ड्रम दिखा ना उधर हाँ उधर का साइड जाना नहीं अच्छा इधर इधर घुमा ठीक है वाला पेड़ है ना पेड़ हाँ पेड़ का सिर्फ नहीं जाना ठीक है तो चलिए हम निकल पड़े हैं बीच में इधर रहना इधर तो दोस्तों दोनों उतर चुके हैं अब हम दोनों ही बैठे हुए हैं इधर देख तो हम दोनों ही है तो हम आराम आराम से चला रहे हैं लेकिन बहुत आवाज आ रही है यार इस पैडल का ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बहुत ही ज्यादा बाकी हवा खुद ही लेके जा रही है हमें ऊपर की तरफ तो हम आराम से बैठे हुए आराम से तो कैसा लग रहा है भाई पहला एक्सपीरियंस तेरा बहुत अच्छा मजेदार तो बाकी आप उतर के मिलते हैं तब तक स्टे ट्यून्ड तो दोस्तों हम बाहर निकल चुके हैं बोटिंग करके कैसा लगा कैसा था एक्सपीरियंस तो डर गया था ये कह रहा कि भाई चलो ले चलो मुझे ले चलो तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई अब चलो हम ऊपर जा रहे तो बस अब हम ऊपर जा रहे तो अभी दो हंस दिखे थे हमें हंस का जोड़ा ये दो हंस का जोड़ा है छेड़ मत उसको तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए भैया लोग ऊपर ही है तो काफी मेरा तो थर्ड टाइम है ये तेरा कौन सा है फर्स्ट या सेकंड ओ माय गॉड तभी डर रहा था इतना तो हम पहुंच चुके हैं अब ऊपर तो यहाँ पर ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं आप रूम की तरफ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स था ज्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर तो दोस्तों आप पैकिंग वगैरह हो चुका है हमारा तो ये है तो पूरा पैकिंग हो चुका है मेरा भी टेंट वगैरह पैक हो चुका है बाकी बस अब निकलने की तैयारी है गाड़ी आने वाली होगी तो 6 बजे गाड़ी आनी थी तो थोड़ा लेट हो गया गाड़ी वाला भी तो अब 7 बजने वाले पता नहीं 3 घंटे में बैंगलोर पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी क्योंकि इन लोगों का फ्लाइट तो 12 बजे के करीब है लेकिन मेरा ट्रेन 10:40 पर है तो इनसे 1 घंटा पहले ही मुझे निकलना है तो अब देखते क्या होता है तो ये आ चुका है हमारी गाड़ी तो दोस्तों गाड़ी में हम बैठ चुके अब निकल रहे हैं हम बेंगलोर की तरफ तो ये है बाकी मिलते हैं बेंगलोर पर उतर के तो दोस्तों एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा रेलवे स्टेशन की तरफ तो भैया लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो निकल रहे हैं अब तो मैं निकलूंगा आप सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ तो यहाँ से भैया लोगों को भी बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है बाय कुणा भाई बाय बाय तो अब उनको बाय बाय कहने का मौका आ चुका है तो अब ये लोग यहीं से जाएंगे अब मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ अब देखते हैं यहाँ से मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा तो ये लोग यहीं से पूछेंगे तो आप मिलते हैं सीधे रेलवे स्टेशन पे तो फाइनल दोस्तों मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ ट्रेन छूट गई है दूसरी ट्रेन ये भी छूटने वाली थी हाँ लेकिन इसमें पूरा का पूरा एसी कोच है राजधानी है अब यही जा रही है तिरुपति होते हुए अब मेरे पास कोई चारा नहीं है ऐसे किसी भी बुगी में घुस जाऊंगा जब टी आएगा देख लेंगे दोस्तों मैं बैठ चुका ट्रेन पे अब देखते आने के बाद होता क्या है फिलहाल बैठ चुका हूँ 1 किलोमीटर से दौड़ के आ रहा था तो
फेफड़े दर्द हो रहे हैं, तो शरीर गर्मी हो रही है और अंदर एसी चल रही है, तो आई थिंक ठंडा गर्म हो गया है। अब थोड़ी देर बाहर जाऊंगा, उसके बाद अभी ये ट्रेन तारीगी 4:30 का, मुझे रेनकुट्टा वहाँ से मुझे तिरुपति के लिए लेना पड़ेगा। आई थिंक वहाँ से बस मिलेगी, तो बस लेकर तिरुपति के लिए। बाकी तब तक स्टेडियम बैठे। तो दोस्तों हमें जंक्शन पहुँच चुका हूँ, क्योंकि आया ही नहीं तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा हूँ। अब मैं चुपचाप बाहर निकल रहा हूँ। तो क्योंकि लास्ट में सबसे आखिरी वाले डिब्बे में था, तो क्योंकि आया ही नहीं, किस्मत अच्छी है मेरी। अब निकलते हैं तिरुपति की ओर। तो फाइनली दोस्तों मैं तिरुपति पहुँच चुका हूँ। बाकी होप कुट्टाप्रति का सफर यहीं पर ख़त्म होता है। होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अब सीधे यहीं तिरुपति के ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना।